प्रश्नमाला 80 का अभी क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे, जो कि है गुणन खंडन कीजिए। तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एम स्क्वायर प्लस एम एन माइनस सात एम माइनस सात एन। तो देखिए एम स्क्वायर प्लस एम एन में से ये दोनों में से पहले कॉमन ले लेंगे तो एम निकल जाएगा, दोनों में एम है तो एम को कॉमन ले लेंगे। तो एम प्लस इसमें से एक एम निकला तो एम बचा अंदर, दो एम है यहाँ पे, दो का दो पावर है तो दो एम है, तो एम एक बाहर निकला तो एक एम बचा, प्लस यहाँ पे एम निकला तो एन बचेगा, एम इधर आ गया तो एन बचा सिर्फ, यहाँ पे माइनस सात कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एम बचा, सात के साथ एम है तो एम अंदर हो गया माइनस। अब देखिए यहाँ पे प्लस देंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे प्लस देंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ पे बच जाएगा एन। तो इसका आंसर हो गया एम प्लस एन, ये दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे, एम प्लस एन दो बार है, और एम -7। ठीक है, यहाँ पे -7 है तो हो गया एम प्लस एन इंटू एम माइनस सेवन इसका आंसर। दूसरा है बी है 9ab -6a +12b -8। तो यहाँ पे हम ये दोनों में से कॉमन लेंगे तो देखिए तीन कॉमन आ रहा है दोनों में, तीन तीन दोनों में आता है, तीन दूनी छः तीन दिया नौ, और a है दोनों में तो 3a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 3b, देखिए तीन तिहाई नौ और b बच जाएगा -2, तीन दूनी छः ए, यहाँ पे दो बचेगा, प्लस यहाँ पे देखिए 12b और 8 में कौन सा कॉमन लेंगे, यहाँ पे चार लेंगे, चार दोनों में आ रहा है तो प्लस चार कॉमन ले लेंगे, चार तिया बारह चार दूनी आठ, तो अंदर बच जाएगा 3b, चार तिया बारह b, b है -4 दूनी 8 -2। तो देखिए 3b माइनस टू, 3b माइनस टू में अब 3b माइनस टू यहाँ पे कॉमन ले लेंगे और बच गया 3a प्लस फोर, 3a प्लस फोर, तो ये आंसर हो गया। सी में है 3pq प्लस 12p -2q -8। तो यहाँ पे ये दोनों में देखिए क्या कॉमन लेंगे, 3 आ रहा है दोनों में, 3 चौक 12 और p है तो 3p कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा q प्लस 3 चौक 12 होता है तो 4, चार हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे -2 कॉमन ले लेंगे, दोनों में आ रहा है 2 तो यहाँ बच जाएगा क्यू, और यहाँ देंगे प्लस क्योंकि प्लस माइनस माइनस यहाँ पे लाना है तो यहाँ पे प्लस प्लस का साइन देंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 चौक 8 यहाँ पे 4 लिख देंगे तो इसका आंसर हो गया क्यू प्लस 4 इंटू 3p -2। यहाँ पे देखिए क्यू प्लस 4 दो में से एक कॉमन ले लिए, अब बच गया 3p -2, तो इसका आंसर हो गया। डी में है 2a² प्लस 3a -2ab -3b। तो देखिए पहले ये दोनों में कॉमन लेंगे तो ये दोनों में कॉमन आ रहा है सिर्फ a, तो a कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 2a, ये दो ठो है प्लस 3, यहाँ पे 3 बचेगा, इसमें से कॉमन लेंगे b, सिर्फ b कॉमन लेंगे तो बच जाएगा अंदर 2a प्लस 3, 2a+3 यहाँ पे देखिए b इधर आ गया तो 3 बचा, 2a+3, 2a+3 दो ठो है तो 2a+3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया, ये बच गया a-b इधर लिख देंगे तो 2a+3 और a-b क्या हो गया इसका आंसर। e में है m² प्लस 2mn -3m -6n। तो ये दोनों में पहले कॉमन ले लेंगे तो m दोनों में है तो दोनों m कॉमन लेंगे, यहाँ पे एक और एम बच गया प्लस 2n, एम इधर निकल गया तो 2n बच गया। अब यहाँ पे -3 कॉमन ले लेंगे, दोनों में आ रहा है 3, तीन दूनी छः और तीन यहाँ भी है तो यहाँ बच गया m, अब प्लस यहाँ पे देंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे देंगे 2n, 3 कॉमन नहीं है तो यहाँ पे 2n बचा, तीन दूनी 6n। ठीक है, तो यहाँ पे दो आ गया m+2n तो एक निकल जाएगा और ये बच गया m-3, तो m+2n इंटू m-3 इसका आंसर हो गया। एफ में है 6ax -9bx +8ay -12by। तो अब देखिए ये दोनों में कॉमन लेंगे तो ये दोनों में कॉमन क्या आएगा, तीन, तीन दूनी छह तीन तिहाई नौ, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 पहले और x दोनों में है तो x भी कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा 2a, तो हो जाएगा देखिए 3 दूनी 6 ax, ठीक है तो 2a बच गया,
माइनस 3 तिहाई 9 और बी है अंदर, बी लिख देंगे, एक्स बाहर निकाल लिए थे। अब यहाँ पे प्लस 4, 4 दुनिया 8, 4 तिया 12, तो 4 कॉमन ले लेंगे, बाई दोनों में है तो बाई, यानी 4 बाई कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बच जाएगा 2a माइनस, यहाँ पे तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस देंगे, -3b। तो देखिए 2a-3b और 2a-3b दो ठो है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2a-3b, एक कॉमन ले लेंगे और बच गया 3x+4y। जी में है -ab+6c-ac+6b। तो पहले हम देखिए इसको पहले एक जगह कर लेंगे, तो लिखेंगे -ab-ac+6b+6c। देखिए ab और ac को एक जगह लिख लेंगे ताकि कॉमन लेने में आसानी हो, और 6b और 6c को एक जगह लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए -ab और -ac यहाँ पे लिख लिए, और 6b+6c एक साथ लिख लिए। तो अब देखिए इसमें से ए दोनों में है, तो माइनस ए कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बच जाएगा b+c। देखिए यहाँ पे प्लस साइन देंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ये माइनस लाने के लिए हमको यहाँ पे प्लस देना पड़ेगा। अब यहाँ पे 6 दोनों में, तो 6 कॉमन ले लेंगे, तो b+c। तो देखिए b+c दोनों में हो गया, तो b+c कॉमन ले लेंगे दोनों में से, और बच गया -a+6। तो देखिए माइनस ए पहले, तो माइनस ए लिखे +6, तो इसको हम b+c और 6 - a लिख देंगे। तो देखिए माइनस ए को इधर कर दिए, बस 6 को इधर कर दिए, तो देखने में अच्छा लग रहा है, तो b+c × 6 - a, यही इसका आंसर हो गया। एच में है at-7b, 8a-7b -56+ab। तो इसको भी हम एक जगह पहले कर लेते हैं, तो लिखेंगे at-56+ab-7b। तो देखिए at और 56 को एक जगह कर ली, at-56 को एक जगह कर ली, और प्लस ए बी और -7b को एक जगह कर ली ताकि कॉमन लेने में आसानी हो। तो यहाँ पे ए 8 कॉमन ले लेंगे दोनों में, 8 सत 56 होता है, दोनों में 8 आ रहा है, तो 8 कॉमन लेंगे, तो a-7 8 सत 56, यहाँ पे प्लस b कॉमन ले लेंगे, दोनों में b है, तो यहाँ पे बच जाएगा a-7। देखिए माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस का साइन देंगे, तो ये हो गया a-7 दो बार है, तो a-7 कॉमन ले लिए, बच गया 8+b, तो a-7 × 8+b ये आंसर हो गया। ये देखिए आई में x+56-7y-8x क्वेश्चन है, इसको भी पहले हम एक जगह कर लेते हैं, तो x+7y को एक जगह लिख लेंगे, -8x+56 को भी एक जगह लिख लेंगे, -8x+56, ताकि कॉमन लेने में आसानी हो। तो यहां पे लिख लेंगे हम, ये दोनों में कॉमन क्या है, वाई है, तो बाई को बाहर निकाल लेंगे, ये अंदर हो गया x-7 ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे -8 कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा x-7, यहाँ माइनस का साइन देंगे ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ भी माइनस लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए x-7 दो बार है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, और ये बच गया y-8, तो x-7 × y-8 ये हो गया इसका आंसर। जे में है ac+2b-a-2bc, तो इसको भी पहले एक जगह कर लेते हैं, तो लिखेंगे ac-a, ac-ac और माइनस ए को एक साथ लिख लेंगे, यहां लिखेंगे -2bc, अब इसको लिखेंगे, फिर इसको लिख लेंगे +2b, ठीक है। तो ac-a को एक साथ, -2bc+2b को एक साथ, ac और -a में a कॉमन ले लेंगे, तो बच जाएगा c-1। यहाँ पे देखिए ac के साथ a इधर निकल गया, तो c बच गया, यहाँ पे a इधर निकल गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे 2b कॉमन ले लेंगे, दोनों में 2b नजर आ रहा है, तो यहाँ भी c-1, यहाँ माइनस देंगे ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, यहाँ प्लस है और 2b कॉमन निकल गया, तो यहाँ 1 देंगे, तो c-1 दोनों जगह है, तो c-1 को कॉमन ले लेंगे, ये बच गया a-2
टू बी, तो सी माइनस वन इंटू ए माइनस टू बी इसका आंसर हो गया।